हां, यह प्रोग्राम मैना कश्यप कंपनी की ओर से पेश करते हैं, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया एवं सुदेश शर्मा। किस्सा है चंद किरण भाग नंबर एक। लेखक हैं उमेद सिंह नीमड़ी वाले। मेहरबानों, बात की समय की मदनपुरी शहर में राजा मदन सेन राज किया करते थे। बड़े ही दयालु थे, प्रजा को संभालने वाले थे, मेहनती थे। राजा शाम के टाइम बताते हैं रोजाना प्रजा की देखरेख किया करते थे। एक रोज का जिक्र है कि शाम के टाइम राजा अपना भेष बदल के और नगरी का चुफेरा लगाने के लिए घोड़े पर अश्वार होकर चल देते हैं। चलते चलते क्या होता है कि एक बुढ़िया आगे तक। उस बुढ़िया के चेहरे पर उदासी थी। राजा ने सोचा इसमें तो कोई ना कोई दुख पड़ रहा होगा। घोड़ा डांट लिया, कया बुढ़िया माता के बात से नुवली भाई बात पूछेगा? हाँ जरूर पूछूंगा। अरे कि मैं तुझ दुख सुख की पूछ सभी गा के हुए तो होश है क्या बुढ़िया माता? तू एक बार बता दो दे। तो जब बात ये राजा के मुंह से कही और बुढ़िया ने सुनी तो एकदम घोड़े पे तड़ उतर लिया और आपस में बुढ़िया के और राजा मदन सेन के सवाल जवाब होने लगे। बता तस्वीर बेच के करूं गुजारा, मैं आगे थारी राज में। कोई ऐसा मोती दिखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज में। तस्वीर बेच के करूं गुजारा, मैं आगे थारे राज में। कोई ऐसा मोती दिखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज मेरी। कोई ऐसा मोती दिखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज समझ में आया बुढ़िया कौन सुतने समझा के। हाय कैसी चाहिए तस्वीर बता खड़िया नीचे नड़ झुका के। देख के सूरत पेटा भर जाजी भर जा भोजन खा के। देख के सूरत पेटा भर जाजी भर जा भोजन खा के। ओए आखरी चीज में जासु दिखा के बैठना मने जाज में। मेरे नहीं समझ में आई तो के गावन दूंगा आज मैं। तस्वीर बेच के करू गुजारा, मैं आगी तरे राज में। ओए ऐसा मोती दिखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज में। खोल गाठड़ी दिखावन लागी
चमक रहा था नूर। कैसा चला कर दिया बैरन, देख होया मजबूर। हाय मैं तो पहनम नाटू थी ना, इसमें मेरा कसूर। हाथ ते होटू खोस लिया फिर लग गया होने सरूर। हाथ ते होटू खोस लिया फिर लग गया होने सरूर। यो दुनिया के दस्तूर में इसके लूंगी सुधा ब्याज में। एक बहू ते कह दे देन की कोन्या मनु लिहाज में। तस्वीर बेच के करूं गुजारा मैं आगी थरे राज में। वे ऐसा मोती देखा दिए जो चढ़ जा मेरे ताज मरी को। ऐसा मोती देखा दिए जो करू चलन की तैयारी। कौन से शहर में रहा करे या मेरे दिल की प्यारी। ओए इन बाता ने छोड़ दिए तेरी ए? क्यों गई अकल मारी। आई मतलक तन नहीं पछानी मर्ज बैठगी बारी। दराज में नाम गाम का पता बता दे ये पोछू पड़क बात में। तस्वीर बेच के करूं गुजारा मैं आगी थरी राज में। कोई ऐसा मोती देखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज मरी को। ऐसा मोती देखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज। हाँ कंचनपुर की रहने आली नारायण सिंह रुखाड़ा। मैं करूँ चलन की तैयारी रे इब मूल करूँ ना टाड़ा। मैं करूँ चलन की तैयारी रे इब मूल करूँ ना टाड़ा रे। ओ मत करी अपना मुँह काड़ा ना सुर ताल साज में। खटके तू चली जाइए आप साध लुकात में। तस्वीर बेच के करू गुजारा मैं आगी थरे राज में। ओए ऐसा मोती देखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज मरी को। ऐसा मोती देखा दिए जो जड़ जा मेरे ताज। सजनों बताते हैं जब बुढ़िया की और मदन सेन की आपस में बात हुई तो राजा मदन सेन कहने लगा कि बुढ़िया माता बताओ ना क्या चीज ले रही तू।
बुढ़िया ने अपनी गाठड़ी खोल के नहरे नहरे खिलौने दिखाए। राजा मदन सिंह नट गया, नुकन लगा, ना बुढ़िया मेरे तो कोई खिलौना पसंद नहीं आया। छो मागी बुढ़िया और छो छो में आंगी में का हाथ गालिया और फोटू काट के राजा मदन सेन का के दिखा दिया। एकदम पसीना आ गया राजा मदन सेन के, नुकन लगी के बात भाई, नुमलारी चक्कर चढ़ता आवे कोन्या सोदी सोदी में शरीर, मेरे जगर में खटक गई है फोटू वाली वीर। क्या भाई इस फोटू की कीमत बहुत से बताते। राजा मदन सेन ने अच्छे नोट शोट दे के और लेके फोटू को घर आ गया। दो चार दिन हो जाते हैं, ना नावे राजा मदन सेन, ना कुछ भोजन करे। आखिर चंद्र प्रभा ने सोचा कि मैंने तुम्हें बात से क्यों ना पूछ ली। कहने लगी महाराज के बात से तो राजा मदन सेन तो नहीं डटा गया, काट कर फोटू और रानी चंद्र प्रभा का के नू दिखा दिया। रानी गुस्से में हो जाती है, नू कहने लगी महाराज आपकी अक्ल मारी गई के किसे गैर वीरबानी को तकने की, के अपने काप की कीमत होगी। जब इतनी बात सुनी राजा मदन सेन ने तो नुकन लगा मैं इसके साथ शादी कराऊंगा। एकदम रानी का आंखों में पानी आ गया और एक बात के द्वारा राजा मदन सेन को नुकन लगी। पिया जी कागज की तस्वीर का पर नारी की चोट सी जिसा होता घाव तीर का सहम बहम सा हुआ पिया जी कागज की तस्वीर का पर नारी की चोट सी जिसा होता घाव तीर का कोयले के फोटू दिखले के फोटू फिर महल में नींद रात ने आई ना जब तह देखा फोटू पिया जी रोटी छिक के खाई ना आज बात बात में गुस्सा करता कद मुँह ते करी बुराई ना फोटू में लक्षण इस लागे कोई इज्जत मंद लुगाई ना फोटू में लक्षण इसे लागे कोई इज्जत मंद लुगाई ना कदे सूती तक भी ठाई ना कदे सूती तक भी ठाई ना करो डेरा जिसा फकीर का पर नारी की चोट सी जिसा होता घाव तीर का सहम बहम सा हुआ पिया जी कागज की तस्वीर का पर नारी की चोट सी जिसा होता घाव तीर का होए कौन कड़की कड़े की फोटू वाली नाम बताना चाहिए इस तरह सोना रूप मेरा तू अपना दिल समझाइए कौन सी कमी तेरी ब्याही में सजन खोल बताइए तू अपनी कटारले कार्ड म्यान ते मने मार के जाइए अपनी कटार ले काड म्यान ते मन मार के जाइए ओए अपना ध्यान काम में लइए
अपना ध्यान काम में लइए, कया मान के वीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। सहम बहम सा हुआ पिया जी कागज की तस्वीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। पराई अच्छी ना होती कहती दुनिया सारी। तने हर में ध्यान लगाना हो कहने संसारी। तू कितकी बनो ब्यावेगा क्यों करे मरण की तैयारी। एक कागज के टुकड़े ने पिया अकल तेरी मारी। एक कागज के टुकड़े ने पिया अकल तेरी मारी। गैर बीर संग लाके यारी, गैर बीर संग लाके यारी, करता नाश शरीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। सहम बहम सा हुआ पिया जी कागज की तस्वीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। बुरी बिताई तू त्यारी करना जाने की अड़े तड़प रही थारी ब्याही। हाथ जोड़ के कहूं पिया जी तजदी गिर लुगाई। बड़े बड़े राजा मारे गए जो चले हैं इन राही। बड़े बड़े राजा मारे गए जो चले सैन राही। दिल अपने में राख समाई, दिल अपने में राख समाई। मिल लिखा हुए तकदीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। सहम बहम सा हुआ पिया जी कागज की तस्वीर का। पर नारी की चोट इसी जिसा होता घाव तीर का। मेहरबानों बताते हैं रानी चंद्र प्रभा ने राजा मदन सेन को बहुत समझाया। आखिर में राजा मदन सेन ने साफ साफ कह दिया कि रानी चाहे कुछ भी कर ले इस फोटू वाली के साथ जरूर शादी करवाऊंगा। जब राजा मदन सेन नहीं मानता तो रानी चंद्र प्रभा उसको बहुत समझाती है, लेकिन राजा एकदम साफ इनकार कर गया। और आपस में रानी समझाती है और राजा उसको क्या जवाब देता है। वे कर दे टाणा जाने की पिया ची कोन्या का। एर जाना पड़े जरूर हूर मती करिए तू तकरार। कर दे टाड़ा जाने की पिया अच्छी कौन का। एर जाना पड़े जरूर हूर मती करिए तू तकरार। में पिया
छुट्या करे घर बासा मन मत ने रोके जावन देखू करे जान मेरा सा ओए दुनिया में तेरी हंसी हो जा ना करना ईसा तमाशा हाँ जाके प्यास बुझा लूंगा मैं तो कई जन्म का प्यासा कई जन्म का प्यासा रे इब लगी तने खेली जरा सा इब लागे तने खेली जरा सा उड़े पड़े कसूती माँ कितनी सीख लगा ले कहूंगा जाने की हर बार कर दे टाड़ा जाने की पिया अच्छी कौन का तेरे जाना पड़े जरूर हूर मती करिए तू तकरार सच्ची वाणी से आ गामनी मिड़ी
तहसील दादरी मारा जला ब्यावाणी से ओए ब्याही ने ठुकरा के चालना बात पिछानी से आ बोल खरक के बीच बनी एक जगान मानी से जगान मानी से मारी नीची गर्दन झुक जानी से नीची गर्दन झुक जानी से तू करी सोच विचार कर ली चलने की तैयारी मेरी भली करे करता कर दे टाला जाने की पिया अच्छी कौन का मेरे जाना पड़े जरूर हूर तू मत करिए तकरार। मेहरबानो राजा मदन सेन अपनी रानी चंद्र प्रभात जुदा हो जाते हैं। वहां से चल पड़ते हैं, चलते चलते जंगल बियाबान में बहुत थक जाते हैं। आखिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, नजर घूमती है तो एक धुआं सा उठता दिखाई दिया राजा मदन सेन ने। वहां से उठकर चल पड़ते हैं चलते चलते, और जहां पर धुआं उठ रहा था वहां पर एक साधु बैठा था। हाथ जोड़ के साधु से एक बात के द्वारा न्यूकन लगे और साधु से न्यूक समझाने लग गया। के हाथ जोड़ के अर्ज करूं हरे चरणा शीश झुकाया और साधु नु समझाण लाग्या राजा मदन सेन। अरे कौन नगर घर गांव तेरा तू कह दे किते आया हाथ जोड़ के अर्ज करूं हरे चरणा में शीश झुकाया कौन नगर घर गांव तेरा तू कह दे किते आया दिखे कान पाड़े मने चेला कर ले हरा मानूंगा एहसान इतनी सस्ती भक्ति ना होती सुने बोले इंसान जिसा कहोगे उसा काम करूंगा सच्चा करके ध्यान तू जोगी बनना रे साव बता दे लागे से नादान मन मिल जागा भगवान गुरु जी कर दो अपनी छाया सच्ची सच्ची रे बात बता दे तू किस चिंता ने खाया मेरे रोग की ममता पूछो तन में लगी बीमारी ब्याह करवा के छोटी होगी तन दुखिया नवारी मेरी भक्ति करना चाहता बाबा मैं तो भक्ति करना चाहता बाबा आगे मर्जी थारी हेरे किते आया साज मता दे के पड़ी मुसीबत भारी तू हर का ध्यान मन में आरी गृहस्थी ने खूब छकाया मांग मांग के खाना होगा कदे डोलिया ना हेरे काया रे कदे डोल जा काया सब बंधने मैं तोड़ का आ गया ना उल्टा जाने का कदे दू बट्टा कदे बट्टा लग जा तेरे रे भाई ढंग ना जुग भगवा पाने का मैं तो सदा बन के रह लूंगा ना जहमत ठाने का कदे नाम डबो दे अपने गुरु का साथ डबो वे लाने का तुमने छोड़ा नाम रे जाने का तुमने छोड़ू मैं ना जाने का मालिक का शुक्र मनाया तेरे कान पड़ कर कर दिया जो की तेरा भगवा वेश कराया Thank you.
होवे। सजनों पड़वा के कान गुरुजी पे राजा मदन सेन, हाथ में करमंडल, कानों में मुद्रा, तन पे भगमा बाना और पांव में खड़ा हूं। वहां से चल पड़ता है गुरुजी से इजाजत लेके। चलते चलते कंचनपुर की नगरी का चौगर्दे घूम जाता है, लेकिन राजा मदन सेन को नू नहीं पता लगा कि चंद्रकिरण कड़स है और किस महल में रहती है। सोच विचार में पड़ जाता है, बुरी हालत हो रही थी, आखिर मरने की सोच लेता है। चिता बना ली, चिता बनाने के बाद अग्नि देने की सोची थी। इतने में एक बुढ़िया आने चुगती चुगती राजा मदन सेन के पास पहुंच गई। नुमली रे बावड़े के करस है? नुकन लगे री ताई, मेरा दोनों मामा के एक काम कर, पिछला दर्द भुला दे और चंद किरण का महल बताना, आगे चिता में ला दे। नुमली भाई बता दूंगी नी तोतरिया। जब इतनी बात सुनी राजा मदन सेन ने तड़ा उतर गया और बुढ़िया के पाप पकड़ दिए। नुकन लगे री ताई बताइए और आपस में के सवाल जवाब होने लगे। बोला एरी हाथ जोड़ी बाया में पड़ गया, मेरी नैया पारी लगा दे, मने क्यों डोबे से जोगी होके तू अपना काम बता दे। हाथ जोड़ी पाया मैं अपने क्या मेरी नैया पार लगा दे, क्यों डोबे से जोगी होके तू अपना काम बता दे। कर दिए कठे तन आग चेता में लानी, हाय क्यों कर करूं यो जुल्म हो बाबा हो के बड़ी शानी, मन न्यू ए मरना दी खरी ताई मेरा लागी चोट बिरानी। तू तो इश्क नशे में पागल हो रहा पाछे बात पिछानी, तू तो इश्क नशे में पागल हो रहा पाछे बात पिछानी। आई बतलक तने क्यों ना जानी उस जगह बात लवा दे, ओए क्यों डूबे से करके भगमा भूलिया दुनिया के कादे। लिंगे हाथ जोड़े पाया मैं प्रिया मेरी पर लगा दे, हाय क्यों डूबे से जोगी होके तू अपना काम बता दे। दिके हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के अर्ज करूं मन तेरा ये सरना से, ओए अपने मुते कह दे बाबा मन के करना से, तू चंद किरण का महल बता दे ना जीत मरना से। वा मान सिखानी डाण बताई न्यू पड़ मन डरना से, वा मान सिखानी डाण बताई न्यू पड़ मन डरना से। मन खाली खेत भरना से मरी का तू पानी ला दे, ओए क्यों मरवावे बुढ़िया ने वा माटी बीच मिला दे। मत हाथ जोड़े पाया मैं पड़ेगा मेरी नैया पार लगा दे, ओए क्यों डोबे से जोगी होके तू अपना काम बता दे। हाथ जोड़ के कह रिया री ताई, मत हाथ जोड़ के कह रिया ताई कर देन ऐसा, मेरे याने बालक रुल जांगे मेरा
मतन्या बाटे ध्यान। ए बात बराबर समझू सूतन सब बात का ज्ञान। मैं तोड़ लाकड़ी करूं गुजारा मत दे आफत में जान। मैं तो तोड़ लाकड़ी करूं गुजारा मत दे आफत जान। मेरी नहीं बाजती तारी ताई तू चुपके चुपके गा दे गा दे। मेरे पीछे पीछे आ जा कह दूं उस जगह पे पैर जमा दे। इनके हाथ जोड़ पाया मैं पड़ गया तेरी नैया पर लगा दे। मने क्यों डोबे से जोगी हो के तू अपना काम बता दे। सिंह गुरु बाजे राम ते राजी हो बतला ले। आए बिना बुलाए आदर ना चाहे घर प्यारे के जाले। क्यों है की बत्ती बात करी सिर पर गाठड़ी ठाले। दिखे जिब मानूंगी सच्चा आशिक जिब चंद किरण ने ब्याले। ओए अपना ताई कंगवा देरी अपना ताई कहने वाले मेरी लगी चोट बुला दे। मने ऐसा छल तू नहीं लागता नारायण सिंह तेरे ब्याह दे। मंगा हाथ जोड़े पाया मैं पड़ गया तेरी दिया पर लगा दे। क्यों डोबे से जोगी हो के तू अपना काम बता दे। सजनों बताते हैं उस बुढ़िया ने राजा मदन सेन को चिता तड़ा उतार लिया और न्यू कहने लगी भाई तू मरे मत ना तेरे को मैं रास्ता बता दूंगी पर मेरा कितने भी जिक्र ना करिए नहीं तो मेरा बसन का राह नहीं रहेगा। न्यू कहने लगा कि बुढ़िया यो मैं तेरे तो वादा करता हूँ एक मिनट भी या एक सेकेंड भी मैं किसी को कोई टाइम नहीं बताऊंगा और ना तेरे बारे में कोई जिक्र करूंगा। न्यू कहने लगी भाई ठीक से एक बात बताऊं तने के मैं तेरा आगे आगे आरणे लेकर चलूंगी जड़े भी मैं आरणा गिर दूंगी नो सोच रही चंद किरण का महल ओए से ठीक से बुढ़िया आगे आगे बुढ़िया और पाछे पाछे राजा मदन सेन। जब चौक आया तो बुढ़िया ने अपनी गाठड़ी में एक आरणा गिर दिया। राजा मदन सेन वहीं पर धुना लगा कर बैठ जाता है। जब धुने का धुमा झाकी में भीतर गया तो चंद किरण ने बंदी को भेज दिया कि देखा कौन आ रहा से कितने धुमाया से हो। बंदी आकर झाकी में तड़ा लखाण लगी अपनी मस्ती में मस्त राजा मदन सेन। तो बंदी के कहन लगी और राजा मदन सेन जो बाबा बन गया था बंदी ते नूकन लग गया। मारे महल में धुमावे धूने ने पर लगाइए मन इस तरह अच्छी जगह मिली ना बेसक चाली जाइए। मारे महल में धुमा आवे धूनी ने प्र लगाइए। मन इस तरह अच्छी जगह मिली ना बेसक चाली जाइए रे बेसक चाली जाइए। के गिला ओए लाके गिला इंधन बाबा क्यों धुमा ठाया आके। तेरी सुका लिया के गेर दिए
दिखा दूं आगे लगा के। ओए नहीं पता तने कौन सुमे तू बोले से इतरा के। ये तेरे माथे पे लिख रखा जो पढ़ लू नजर उठा करी जो पढ़ लू नजर उठा के। ओए मैं तो कह दूं उसने जाके, मैं तो कह दूं उसने जाके तू आड़े ही बैठा पाइए। आतावड़े करके चली जा तू मतने बाटे देखिए। ओए मारे महल में धुमा आवे धूने ने पर लगाइए। इस तरह अच्छी जगह मिली ना बेशक चली जाइए रे बेशक चली जाइए। क्या बात हरियाणा सुपर स्टार साधन दो बान छोड़ क्यों गाम में धुना लाया। एकले ने मन डर लागे थानु अड़े चाल के आया। यो महल जनना तेरे पास में जड़ धुना तने जमाया। तू आते ही मेरे सिर पे चढ़ गई बता थरा के ठाया रे बता थरा के ठाया। तेरा माड़ा वक्त अड़े ले आया माड़ा वक्त अड़े ले आया इब तने भागना चाहिए। सुन ली सारी बात तेरे मालक ने अड़े बुलाइए। मारे महल में धुमा आवे धूने ने परे लगाइए। अच्छी जगह मिली ना बेशक चली जाइए रे बेशक चली जाइए। तू हुक्म अदुली करण लाग रहा क्यों दे रहा जान फांसी मैं। ओए हरिचंद्र राजा सूझो बिक गया जा काशी मैं। ओए इबी कह दूं चल्या जासू चंद किरण की दासी मैं तो ताजा भोजन करया करूं सू ना खाता कदे बासी मैं ना खाता कदे बासी मैं। तेरा दम लिकड़ेगा खांसी में तेरा दम लिकड़ेगा खांसी में तू मतन्या फांस घलाइए। मैं तो एक बार दर्शन करना चाहूं उसने जा मिलवाइए। हरे महल में धुमा आवे धूने ने पर लगाइए। इस तरह अच्छी जगह मिली ना बेशक चली जाइए रे बेशक चली जाइए। मैं भी जान गई तेरा जोगी आला ढंग नहीं। मैं तो कान पड़ा रहा गड़ में माला कपड़ा पे रंग नहीं। तू एकी बेकी बात करे के पीरिया से भंग नहीं। तू सेम बावली होरी दिखे
इब तक कटी पतंग नहीं, इब तक कटी पतंग नहीं। ओ उम्मीद सिंह यो जंग नहीं बाबा जी धुना ठाइए, बाजे राम ते मिलना चाहूं मत काट के आंखे डराइए। हमारे महल में तुम आवे धुनी ने परे लगाइए, इस तरह अच्छी जगह मिली ना बेशक चली जाइए रे, बेशक चली जाइए। सजनों बताते हैं जब इतनी बात बंदी की हुई तराजा मदन सेन के छो उठ गया, नुकन लगे रहा बंदी होकर ठाडू धमकाउन का, तेरा के हक सही से बाबा ने ताउन का, नुकन लगे एक बंदी होकर तू मेरे तो बात करे से तेरी मालक ने भेज दे। जब इतनी बात सुनी बंदी ने नू बोली के कर देगा नहीं तो मेरी बात सुन दे नू कर दूंगा। के कर लग गया बाबा थारी चंद किरण में ले जावेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। बिनाई में हो बिनाई में बाबा ने जिंदगी खपावेगा। बाबा थारी होए होए, बाबा थारी होए होए, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। तू चाल जा बंदी मत ने मारे बंदी मेरा कर्जा हाल जा, बिनाई में मारे जगाड़ ते तू चाल जा, बंदी मत ने मारे बंदी मेरा कर्जा हाल जा। मान जा हो बात मेरी मान जा न पच पच तवेगा। बाबा थारी होए होए, बाबा थारी होए होए, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। बिनाई में हो बिनाई में बाबा ने जिंदगी खपावेगा। बाबा थारी होए होए, बाबा थारी होए होए, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। काम से संदिकन न ब्याहूंगा मदन सेन नाम से, मेल की जड़ में धूना लाया तेरा के काम से, संदिकन न ब्याहूंगा मदन सेन नाम से। कौन नगर घर गाम से हो, कौन नगर घर गाम से तू कितकी बनो ब्यावेगा। बाबा थारी होए होए, बाबा थारी होए होए, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। जीने कारा हो जागा, झूठा बहम बाबा तने दिन दुनी ते खो जागा, सनकिन न ब्याहे पाछ जीने कारा हो जागा। नींद नशे में हो, नींद नशे में सो जागा कौन फेर ठावेगा। बाबा दारी हाय हाय, बाबा दारी हाय हाय, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा, बाबा थारी चंद किरण न ले जावेगा। अपना धुना ठा लेने नील कुमार का गांव लुहारी सच्ची प्रीत लगा लेने, वो देर की कहरी बाबा अपना धुना ठा लेने, नील कुमार का गांव लुहारी सच्ची प्रीत लगा लेने। लेसुर के मां हो,
लेसर के मगाले प्रेम पाल साज बजावेगा। बाबा थारी हाय हाय, बाबा थारी हाय हाय, बाबा थारी चंद की रण में ले जावेगा। बाबा थारी चंद की रण में ले जावेगा। बाबा थारी चंद की रण में ले जावेगा। सदनों बताते हैं बांदी बाबा जी की बात सुनकर और महल में चंद किरण के पास जाती है और बताती है कि जोगी नहीं है तो कोई तरह नाम का देवाना से एक बार तुझसे मिले देख तो तने सब आता का मेरा लाग जाएगा। और एक बात के द्वारा बांदी अपनी महारानी चंद किरण को न्यू समझाने लगी। चंद किरण सुन बात मेरी यो जोगी जुल्म करेगा। चंद किरण सुन बात मेरी यो जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। चंद किरण सुन बात मेरी यो जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। हाय शान देख के शान देख के बाबा जी की मेरे हो गया बहम गात में। जो कहने गई थी ना काढ़ पाई मुते वही बात में। ऐसा नूर चमकता दिखे जानू चंदा था काली रात में। मीठा मीठा बोल के जोगी मोले एक शात में। ओए माला दिखे उसके हाथ में, माला दिखे उसके हाथ में। ओ मृग की ढाल फिरेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। चंद किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। जोगी का हो जनु स्वर्ग ते आया। ने तो सहम गई थी रूप देख के सूरज भी शर्माया। गोरे रंग पे राख लपेटी फिर भी चमके काया। कई बे बोलिया मीठा मीठा फिर गुस्से ते बतलाया। न उसने अपना ध्यान डिगाया, ना उसने अपना ध्यान डिगाया। जनू परले पार तिरेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। चंद किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। देवसी शक्ति लगे अर्जुन साधनुष धारी।
कृष्ण जैसा हसमुख चेहरा भीम सा बलकारी। ओए जाके दर्शन कर बाबा के तेरी क्यों गई अकल मारी। के सदा बाप के घर रह जागी बन के ओडकवारी। ओए मने बता के लाचारी तेरी, मने बता तेरी के लाचारी तेरा फिर ना मन डरेगा। तेरे नाम का धुआं दीवाना बिन आई मौत मरेगा। चंद किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। करके मिल जोगी ते जाने कि न करिए टाणा। ओ चक्रवर्ती जो बात करे से उसका ढंग निराड़ा। चली जाइए रात अंधेरी आइए हुए पीछे उजाड़ा। हाय बाबा देख के हो जा चढ़ा, बाबा देख के हो जा चढ़ा तेरा भीतरला सांस भरेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। चंद किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। हाँ चंद किरण सुन बात मेरी ओ जोगी जुल्म करेगा। तेरे नाम का हुआ दीवाना बिन आई मौत मरेगा। हाँ भाग नंबर दो सुनिए दूसरी कैसेट में। मैना कैसेट सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा टिकाऊ और आपके टेप रिकॉर्ड को बचा कर रखने वाली मैना कैसेट। आप जब भी खरीदे मैना कैसेट ही खरीदे। और चंद किरण भाग दो नंबर दो दूसरी कैसेट में सुनिए। धन्यवाद।